नमस्कार, एक्झोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है रेहाना पटनी, जो है CBSE मास्टर ट्रेनर एंड वाइस प्रिंसिपल ऑफ हिल्स हाई स्कूल, जो सूरत में आई हुई है। तो रेहाना जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और डी खुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है, और एक्जोटिक परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व महिला दिन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच यामिनी जी। रेहाना जी से हम बात करते हैं कि ये हमारा जो कार्यक्रम है विश्व महिला दिन अंतर्गत है, ये एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और हम आज जो बात करने की करेंगे, लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे रेहाना जी की, जो एक CBSE मास्टर ट्रेनर है, साथ में एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। पर उनकी जो कम्युनिटी है, सबसे पहले तो हम उसी पे बात करेंगे कि उनकी जो कम्युनिटी है उसमें मुझे पहले तो जान के ऐसा लगा कि आपने इतना एजुकेशन दिया है, मतलब इतना सारा एजुकेशन दिया है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा माना जाता है कि जो इनकी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ाई कम करवाते हैं और शादी जल्दी करवा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतनी पढ़ाई कैसे की, और आपके परिवार ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, और इसमें कुछ स्पेशल था कि आप आगे जाके पढ़े और बच्चों को पढ़ाए। थैंक यू वेरी मच यामिनी मैम, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी लाइफ जर्नी आपसे शेयर कर सकूं। जी। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये प्रॉब्लम है ही है, लेकिन इट इज़ अ जनरल प्रॉब्लम इन एवरी कम्युनिटी कि पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते लेडीज़। मतलब लेडीज़ का एक ही डेस्टिनी है कि शादी करो, सेटल हो जाओ, बच्चे हो गए, तो वहाँ लाइफ ख़त्म हो जाती है जी। और मेरा भी लाइफ जर्नी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी जी। बीइंग अ डॉटर ऑफ एन एजुकेटेड फैमिली, ग्रेजुएशन तक तो मैंने कर लिया, उसके बाद मेरी भी शादी हो गई थी जी। और लेकिन उसके बाद भी मेरे जो इन लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव रहे, हस्बैंड ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और मेरे अंदर एक थॉट था कि एजुकेशन में कुछ करना है, बिकॉज यू नो एजुकेशन इज़ अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिटी, यू कैन इन्फ्लुएंस सोसाइटी, और कहीं कुछ करेक्शन का स्कोप होता है सोसाइटी में, कहीं कुछ करेक्शन चाहिए तो दैट यू कैन गो थ्रू एजुकेशन जी। आप अगर देखो तो ये जो हमारे इंडिपेंडेंस में जो हमारे जो गांधी जी है, महादेव भाई देसाई है, तो ये सारे लोगों में ये जो थॉट आया कि टेकिंग फ्रीडम विदाउट वेपन, दैट थॉट हैज़ कम थ्रू एजुकेशन। अगर वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद ये पॉजिटिव थॉट उनके दिमाग में नहीं आया होता जी। जी, तो जहाँ भी एजुकेशन नहीं है वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। दैट इज़ व्हाई आई थॉट ऑफ कमिंग इनटू एजुकेशन फील्ड, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम एक रोल मॉडल क्रिएट कर सकें हमारी सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए। दैट इज़ व्हाई आई केम इनटू दिस फील्ड जी। जी जी, तो मैंने शादी के बाद ही मैंने एक्चुअल मेरी जो टीचिंग प्रोफेशन की जर्नी स्टार्ट की, मैंने बीएड किया, उसके बाद में मैंने एमए भी बाद में ही किया, उसके बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर CBSE, और एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट सक्सेस इन ऑल द स्टेजेस, क्योंकि मैंने बहुत सिंसियरली और सीरियसली सारे काम किए हैं जी। जी जी, तो आपकी नीयत अगर सही होती है तो आपको सफलता मिलती ही है। बिल्कुल सही बात है जी। पढ़ाई की हमने आपसे बात तो की, आप में मतलब आपके परिवार के सपोर्ट से आप आगे पढ़ भी पाई, और आपका जो एक ध्येय था कि मुझे पढ़ाई करनी है, इसीलिए आपने इतना एजुकेशन लिया और आप अभी भी बच्चों को पढ़ाई रही है। लेकिन आपके लाइफ में एजुकेशन फील्ड में आने से पहले कुछ ऐसी स्पेशल कुछ बातें हैं जो वो भी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मुझे पता चला था, आपने जिस तरह से बातें की थी कि आपने एक स्लम एरियाज़ में पढ़ाई करवाई थी और
ये एक मोटिवेशनल स्टोरी हो जाएगी, तो वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मैडम, मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर ने बहुत एक्टिवली सोचा था कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में अगर उनके अगर कुछ सोशल वर्क करना है तो उनके लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टार्ट किया, एक दो रूम दो कमरे का एक रेंट पे उन्होंने स्टार्ट किया। और उसके बाद में उन्होंने एक चैरिटी शो किया, दिलीप कुमार को बुलाया था सूरत में। और उसके बाद में जो उसका फंड रेज हुआ, ऑफकोर्स विद अ टीम ऑफ पीपल, बट द थॉट वॉज फ्रॉम हिमसेल्फ। मेरे फादर का अपना थॉट था कि एंड उन्होंने ही इनिशिएट किया था। उन्होंने दिलीप कुमार के पास जाके उनको कन्विंस किया था यहाँ पे आने के लिए। और दिलीप कुमार साहब ने विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी ही वॉज रेडी टू कम हियर। और उसके मतलब वो जो फंड रेजिंग हुआ उसके बाद में लगभग आई थिंक 6 to 7,000 पीपल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दैट स्कूल, सिंगा स्कूल, आप देख सकते हो। दैट वॉज स्टार्टेड बाय माई फादर, ही इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ द स्कूल। तो मैंने ऐसा सोचा था शुरू में तो कि भाई चलो एज आई टुक टीचिंग प्रोफेशन एज अ सोशल वर्क, कि चलो बच्चों के लिए कुछ करते हैं, कुछ उनके ऊपर मेहनत करेंगे तो हमारी सोसाइटी में कुछ और पॉजिटिव थॉट्स भी जाएंगे और कुछ हम लोग सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। बट ग्रेजुअली आई डेवलप्ड दिस थॉट एज माई प्रोफेशनल करियर, मैंने ऐसा प्रोफेशनली डेवलप करने का सोचा। एंड देन आई अप्लाइड फॉर अ CBSE स्कूल, जहाँ पे मैंने CBSE स्कूल में मैं एंटर हुई। और फिर मैंने स्लोली स्लोली अभी इस पिछले 10 साल से मैं एज एन असिस्टेंट प्रिंसिपल हिल्स हाई स्कूल में काम कर रही हूँ। जी जी जी। एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी जी जी। बहुत अच्छे लोग हैं सारे, इट वॉज अ गुड लर्निंग जर्नी। जी जी जी। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो आपने बोला था कि कुछ बच्चों को आपने कुछ सिखाया था और उसको लेके जो आप जो वो स्टोरी थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक मोटिवेशन बोला जाए तो ये हमारा जो कार्यक्रम जो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा योगदान दिया है, समाज के लिए कुछ काम किया है, ऐसी महिलाओं को यहाँ पे हम प्रोत्साहित करते हैं, तो वो स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। यस, जहाँ तक मुझे याद है एक कंपटीशन था जो साराभाई साइंस सेंटर की तरफ से अनाउंस हुआ था। एंड उसके अंदर आई थिंक पूरे गुजरात के कुछ 500 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। और हर स्कूल ने उसको मतलब बच्चों का नंबर आया उसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत करी थी, उसके पीछे पैसा लगाया था, वो बच्चों के कॉस्ट्यूम खरीदे थे, उनको ट्रेनर दिए थे, उनको स्किट, इट वाज अ स्किट कंपटीशन। तो स्किट का डायरेक्शन, कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, कोई लाइट डायरेक्शन कोई कर रहा है। तो जब हमारे स्कूल का नंबर आया, जब सिमगा स्कूल में, मैंने सोचा कि चलो हमारे स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, टैलेंटेड तो वो है ही, उनको थोड़ा सा पुशअप चाहिए। जी। तो मैंने एक स्वाइन फ्लू के ऊपर एक स्किट लिखी। सो स्किट लिखी, उसके बाद में उसको मैंने ही डायरेक्ट किया और बच्चों को ट्रेन किया, उन्होंने अच्छा सा प्रेजेंटेशन करने के लिए उनको ट्रेन किया। और हमारे बच्चों के पास कॉस्ट्यूम के पैसे भी नहीं थे। तो वो हमारे बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में ही गए थे, स्कूल के यूनिफॉर्म में ही उन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पे पीपी सवानी अब्रामा स्कूल में। स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था एंड आउट ऑफ 500 स्कूल वी गॉट फर्स्ट रैंक विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब मुझे ऐसा लगा कि टैलेंट होता है, बस आपको उसके लिए कोई पैसा डालने की या कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड द टैलेंट विल कम आउट, इट विल शाइन इन एनी वे। जी जी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इतने 500 स्कूल्स में से आपके बच्चों के जो फर्स्ट नंबर आया, और आपने कहा इस तरह से कि टैलेंट है तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी आप कर सकते हैं, और आपकी टैलेंट को आप लोगों तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप पैसा डालो तो ही आपकी टैलेंट लोगों तक पहुँचेगी। और दूसरी हम बात करेंगे मैम आपके साथ कि CBSE मास्टर ट्रेनर आप हुई है, तो वो कैसे हुई और किस तरह की आप कहाँ ट्रेनिंग देती है वो भी बताइए।
मैडम सीबीएसई ने मुझे इनफैक्ट मुझे मेरे जो हिल्स हाई स्कूल है उसके मैनेजमेंट ने मुझे एक चांस दिया कि यू गो फॉर अ ट्रेनिंग फॉर मास्टर ट्रेनर। तो वहाँ मतलब कुछ 60 प्रिंसिपल्स का बैच होता है, उसके अंदर से कुछ बेस्ट 5-10 प्रिंसिपल्स आर सिलेक्टेड फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू अदर्स। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मुझे सीबीएसई ने चांस दिए 2-3 ऑफलाइन वर्कशॉप्स में, कि जैसे मैं नासिक में सिम्बायोसिस स्कूल में मुझे भेजा गया सीबीएसई द्वारा, और वहाँ पे टीचर्स को 2 दिन का वर्कशॉप देने के लिए, और उस मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा एंड स्लोली स्लोली इट इम्प्रूवड ऑल्सो, एक कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद में मुझे सीबीएसई के असाइनमेंट्स मिलते गए। अभी रिसेंटली तो मुझे जो सीबीएसई ट्रेनर्स के जो मैनुअल्स होते हैं उसको रिव्यू करने का भी काम दिया गया है। सो आई हैव बिन लर्निंग, इट्स अ जर्नी जहाँ पे मैं डे बाय डे आई एम लर्निंग समथिंग एंड आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। और ये जो ट्रेनिंग होती है मैडम, वो आई वुड लाइक टू से दैट इट इज़ अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप कैसे करना। जी, तो ये एक टॉपिक होता है, ऐसे 2-3 और भी टॉपिक है, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट है कि भाई क्लासरूम इज़ योर होल एरिया वेयर टीचर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ असेस्ड। तो आप क्लासरूम कैसे हैंडल करते हो उसके ऊपर पूरे टीचर का सक्सेस डिपेंड करता है, और अगर टीचर सक्सेसफुल है तो अल्टीमेटली बच्चा सक्सेसफुल है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। जी सो और दूसरा केस, टीचर का जो बिहेवियर है और टीचर का हैंडलिंग इतना पॉजिटिव और इतना मोटिवेटिंग होना चाहिए कि चाइल्ड हैज़ टू टेक हर एज अ रोल मॉडल, उसकी लाइफ में उसका एक 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 पोजिशन है, एक इम्पैक्ट है विच इज़ गोइंग लाइफ लॉन्ग। जी बिल्कुल। सो दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड। जी तो ये हम जब क्लासरूम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट, जैसे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल में जैसे पॉजिटिव बिहेवियर है या प्रॉब्लम हैंडलिंग है या टाइम मैनेजमेंट है या ये सारे जो आस्पेक्ट्स हैं दैट वी कल्टिवेट अमंग स्टूडेंट्स एंड हाउ टू कल्टिवेट दैट वी आर टीचिंग अवर टीचर्स। जी सो इस चीज़ की हम ट्रेनिंग लेते हैं, जी देते हैं। जी तो अभी तक कहाँ कहाँ आपने ये की, मतलब करवाई है ट्रेनिंग? मैंने एक नासिक में करी थी, उसके बाद में जैसे मैंने बताया सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ नासिक, उसके बाद में वापी में ज्ञान गंगा स्कूल में हुई थी, देन इधर सूरत में भी हुई है 2-3 स्कूल में, काफ़ी जगह पे मैंने ये ऑफलाइन वर्कशॉप्स लिए हैं। जी। और ऑनलाइन में अभी ड्यूरिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन अभी ऑफलाइन नहीं हो सकती थी तो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करी हैं। जी। तो जूम, नॉट जूम, एक्चुअली सीबीएसई यूजेस माइक्रो, व्हाट इज इट कॉल्ड, अलग प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर ये ट्रेनिंग होती है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। बहुत ही आपने एजुकेशन फील्ड में, मतलब किस तरह से ये सीबीएसई मास्टर ट्रेनर आप है और किस तरह से आप ट्रेनिंग देती है वो हमारे दर्शकों को आपने बताया। और वुमेंस डे रिगार्डिंग ये हमारा इंटरव्यू है और बहुत कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में और जिस तरह से एजुकेशन फील्ड में आपने जिस तरह से आगे बढ़ी है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाए ऐसी भी हमारी शुभकामनाएं होगी। लेकिन आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी लिए हैं तो, और मिले हैं आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स, तो उसमें कुछ कोई ऐसा अवार्ड जो आपके लाइफ को मोटिवेट करता हो, ऐसा कोई अवार्ड आपको मिला हो? एक द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था मुझे, जी जो अभी जस्ट आई एम रिकॉलिंग दैट सिमला जी स्कूल की भी ही एक बच्ची थी, उसको मैंने ट्रेन किया था, जिसके अंदर पर्यावरण के लिए एक एग्ज़ाम थी उसके लिए हमने ट्रेन किया था, जी तो शी गॉट फर्स्ट रैंक इन ऑल ओवर इंडिया, और उसकी वजह से मुझे उसके एज अ ट्रेनर आई गॉट पर्यावरण रत्न अवार्ड। और उसके बाद में सेम उसी संस्था ने मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया था, दैट वाज आल्सो वेरी मोटिवेटिंग। और जी जैसे मैंने बताया साइंस सेंटर, साराभाई साइंस सेंटर द्वारा जो आयोजित जी प्रतियोगिता जी थी जी उसके उसमें हमारे बच्चों ने जो फर्स्ट रैंक लिया वो भी काफ़ी मोटिवेटिंग था। वो चीज़ें मुझे आज भी मुझे अवार्ड्स मिलते हैं लेकिन वो अवार्ड्स मेरे लिए एक स्पेशल स्थान रखता है मेरे दिल जी में। जी 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 इसीलिए तो हमने आपको पूछा कि एजुकेशन फील्ड ऐसा है कि आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो,
आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, मतलब एक चैलेंज लेके अगर आप काम करते हैं तो बहुत कुछ हासिल भी हो सकता एग्जैक्टली है और बहुत एग्जैक्टली कुछ देना भी पड़ता है। क्योंकि जैसे आप अभी वाइस प्रिंसिपल हो हिल्स हाई स्कूल में, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ मैनेज करना होता है, काफ़ी कुछ बच्चों को तो पढ़ाते ही है लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है। हाँ जी और जिस तरह से अभी माहौल हुआ है कि भाई ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में टीचर भी परेशान, बच्चे भी परेशान, बच्चों के पेरेंट्स भी परेशान, तो ये माहौल में जब टीचर पढ़ाते हैं और जिस तरह से सिचुएशन को संभालते हैं, वो आप ही बता सकती है कि किस तरह से मैं होता है, तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए। तो ये कहूंगी मैडम कि टीचर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द कोरोना वॉरियर, कोविड जी वॉरियर में आप उनका जी भी नाम ले सकते हो, जी जी क्योंकि जितनी बिल्कुल मेहनत टीचर्स ने करी है ड्यूरिंग दिस टाइम, आई थिंक नोबडी हैज़ डन इट। मतलब डॉक्टर्स और ये तो करते ही हैं, करते ही हैं। एसएमसी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके साथ साथ में आप पैरेलली टीचर्स को भी रख सकते जी हो बिल्कुल बिल्कुल सही कि बात है। जिस तरह से उन लोगों ने मतलब ड्यूरिंग कोविड टाइम तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स तो वो लोग ऑनलाइन टीचिंग करते थे, तो टीचिंग जब आधा घंटे का एक पीरियड, जब 40 मिनट्स का पीरियड पेरेंट्स के सामने जाता है, उसके पीछे टीचर की पूरे दिन की मेहनत लगी हुई मेहनत होती लगी है। होती है। और वो टीचर भी जब ऐसे टाइम में जबकि बाहर लॉकडाउन है, मेड्स आ नहीं रही है, आपको घर में खाना बनाते बनाते आप कुछ वीडियो शूट कर रहे हो, मतलब आप अपनी कमेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, और जी तो ये सारे काम के साथ में आप ऑनलाइन क्लासेस टाइम टू टाइम लेना, टाइम पे लॉग इन करना, टाइम पे लॉग जी आउट करना, फिर दूसरे क्लास के लिए प्रिपेयर करना, फिर दूसरे क्लास के लिए लॉग इन करना, और उसके साथ साथ में वो प्लानर के साथ बनता है। हमारे यहाँ बिल्कुल बच्चे खाली स्कूल प्रिमाइसिस में नहीं थे, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज सिस्टमेटिकली डन ऑन ऑनलाइन क्लासेस। जी जी जैसे जी बच्चे सिर्फ चार दीवारी में हमारे स्कूल में नहीं थे, लेकिन जी उनका जो प्लानर था, जी उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनकी जो एग्ज़ाम्स थी, उनके जो सेलिब्रेशंस थे, हर चीज़ टाइम टू टाइम हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जी तो हमने कुछ भी मिस नहीं किया, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जी तो बच्चों को 100% देने के लिए टीचर्स को 200% काम करना काम पड़ा, करना पड़ा। जी, तो तो ये है। जी इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक वुमन की हम बात करते हैं तो वो घर को भी मैनेज करती है, परिवार को मैनेज करती है, साथ में एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है, जवाबदारी होती है, तो उनको भी उनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मतलब सभी जगहों पे एक ही साथ काम करना होता है तो भी वो कर सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और आगे चलते हैं, बहुत कुछ आपसे जाना रेहना जी। और दूसरी हम बात करेंगे आपके साथ कुछ ऐसी प्रेरणा, कोई ऐसी घटना हुई है जो आपके मतलब लाइफ में ऐसा लगा हो, जैसे आपने अब्दुल कलाम जी की कुछ बात की थी मुझे, तो वो हाँ, भी शेयर कीजिए जी। जब हमारा हिल्स हाई स्कूल स्टार्ट हुआ तो आई वॉज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट। और हमारे स्कूल के जो फाउंडर मैम हैं शनाज हलवाला, शी हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी अ लॉट, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और मुझे बोला कि रिहाना चल कुछ करते हैं, ऑलवेज जी शी टॉक्स लाइक दैट, चल कुछ करते हैं। जी और मेरा भी ऐसा है कि भाई चलो कोई बड़ा टास्क हाथ में आता है तो मुझे मतलब लाइफ में मज़ा आ जाता है, चलो वक्त तो ना एकम्प्लिश करके बैठेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तूफानी हो जाए मोदी जी की तरह। जी तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनाग्रेशन फंक्शन करते हैं, और जिसके अंदर हम अब्दुल कलाम सर को इनवाइट करते हैं, तो मैंने उनको मेल लिखा अब्दुल कलाम सर को, तो कोई रिस्पांस नहीं आया, और फिर मैं 6 महीने तक कॉन्स्टेंटली उनको मेल करती रही करती रही, कोई रिस्पांस नहीं आता था। इधर मतलब एक अंदर से एक वो भी थी सैडनेस कि भाई इतना मैं कर रही हूँ लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और 6 महीने के बाद में वन फाइन डे आई गॉट अ मेल फ्रॉम हिज पीए कि भाई मैडम बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत टाइट है, इसलिए हम कलाम साहब आपकी स्कूल की तरफ नहीं आ सकते। तो एटलीस्ट मुझे रिस्पांस तो मिला, ये मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन की बात थी कि भाई उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, तो फिर मेरा और हौसला बढ़ गया, और फिर मैंने फिर उसके ऊपर फॉलोअप किया और मैं फिर मेल करती रही, मैं उनको इंसिस्ट करती रही कि सर आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज़ अ टीचर्स मीटिंग, मतलब पूरे सूरत सिटी के टीचर्स को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती थी और जिसको अब्दुल कलाम सर एड्रेस करें, ऐसा एक फंक्शन मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। तो मैंने अच्छे से ड्राफ्ट करके वो मेल लिखा था अब्दुल कलाम सर को,
और फिर एक दिन मुझे कलाम सर का अपना हाथ से लिखा हुआ एक मेल मिला, जिसके नीचे उन्होंने अपने हाथ से सिग्नेचर किया था, और उन्होंने लिखा था कि मैडम आई अप्रिशिएट योर थॉट एंड आई वुड डेफिनेटली वर्क थिंक इन दैट डायरेक्शन. सो इट वाज आई वाज रियली हैप्पी ऑन दैट डे. मैंने मतलब मैं खुशी से झूम उठी थी कि भाई कलाम सर ने अपने हाथ से मुझे ये मेल भेजा. और फिर बाद में उनका एक मेल आया, वो जब यहाँ सूरत के बाईपास करके जा रहे थे कहीं और, उनका एक फंक्शन था तो यहाँ सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे. तो उन्होंने उनके पीए का मेल आया कि मैडम यू कैन कम टू मीट मिस्टर कलाम विथ योर स्कूल चिल्ड्रन एंड आपको जो भी बात करनी है वहाँ पे कर सकते हैं. सो आई वॉज कॉल्ड पर्सनली टू मीट मिस्टर अब्दुल कलाम. सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. और मैं गई भी थी हमारे स्कूल के बच्चों को लेके, और सर ने मेरे साथ लगभग 20 मिनट्स का टाइम स्पेंड किया था. इट वाज अ ग्रेट डे फॉर मी, और वो मैं आज तक मैं कभी नहीं भूलूंगी. जी, मतलब लाइफ का जो एक एक्स्ट्रा मतलब है, स्पेशल जैसे बोल सकते हैं, स्पेशल मेमोरी जिसे कहा जा सकता है, स्पेशल मेमोरी, तो वो आपकी लाइफ में, लाइफ की लाइफ जर्नी में ये भी एक रही है. तो रेहाना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत ही अच्छी तरह से आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमने आज जाना, और हमारे दर्शकों भी आज खुश हुए होंगे कि एक हम आपको मिलवा रहे थे CBSE मास्टर ट्रेनर एंड वाइस प्रिंसिपल हिल्स हाई स्कूल की रेहाना पटने जी को. रेहाना जी, लास्ट में जाते जाते हमारे जो दर्शक है और हमारी वुमन्स है, जो वुमन्स डे रिगार्डिंग हमारा ये शो है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हमारी वुमन को इतनी प्यारी हैं, और उनको मैं यही संदेशा देना चाहती हूँ कि आप जो कर रही हैं वो सब सुपर वुमन जैसे ही है. एवरी वुमन इज अ सुपर वुमन. जी, कुछ स्पेशल कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि जो आपको अभी और कुछ करना है. जो आप कर रही हैं, इट इज़ ऑल अबाउट सुपर वुमन. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. जी, ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड एंड यू कीप ऑन डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग. सो इट इज़ द ओनली संदेशा फॉर माई सेल्फ. जी जी जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ऐसे ही वापस हम दूसरी, जैसे बोल सकते हैं कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ हम वापस मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार, एंड फिर से आपको वुमन्स डे की बहुत बहुत शुभकामना एंड धन्यवाद. आपको भी मैडम जी, थैंक यू.